कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा था कि विकास दुबे के पकड़े जाने से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता था। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। वहीं योगी सरकार के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि जिसका अंदेशा था वही हो गया। विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े नेता और अफसर अपना मुंह खोलने लायक नहीं रहते। कोई तो बड़ा शख्स है इसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताए। उससे पहले ही उसकी जुबान बंद कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी एजेंसियां सरकार से मिली हुई हैं। इस पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के वर्तमान जज से उसकी जांच कराई जाए और एजेंसी तो सरकार के जेब में हो गई। आप उठा के देखिए, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, इन्हीं लोगों के कहने पर सारे काम हो रहे हैं। तो कैसे उम्मीद किया जाए? जो देश की आज़ादी में पहली बार बीजेपी के पक्ष में जो फैसला दिया वो राज्यसभा बन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो कैसे मान लिया जाए कि हम सीबीआई से उम्मीद करें, ईडी से उम्मीद करें? वहीं राजभर ने अपने ट्वीट में लिखा कि शहीद पुलिसकर्मियों को न्याय मिला। कहा, शहीदों को न्याय तब मिलता जब विकास दुबे से जुड़े पुलिस और नेताओं का पूरा सिंडिकेट बेनकाब होता। विकास दुबे के साथ न्याय की उम्मीद दफन हो गई। पहले चिट्ठियां गायब, सबूत दफन। विकास दुबे ने योगी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तमाम मंत्री विधायक अधिकारियों को बचाने के लिए ये उन्होंने इनकाउंटर किया है। इसकी जांच मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के जज से करा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकाउंटर तो हुआ है, क्या ये फर्जी इनकाउंटर है? नहीं, उसको तो ये सत्य है, उसको मारा गया है, ये फर्जी दिखाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर कराया है ताकि इसमें जो बड़े नाम है उन्हें बचाया जा सके। अगर विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उसे कोर्ट ले जाना चाहिए था और ट्रायल करके उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है वो न्याय हित में बिल्कुल भी नहीं है। राजभर ने कहा कि इस पूरे केस में यूपी और एमपी सरकार की भी मिलीभगत है। पूरे मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जाँच करवानी चाहिए। सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।